ये हमारे सामने काफी भीड़ फिर से ये पुनः आए हैं, तो मैं ये हमारे सामने काफ़ी भीड़ लगी है ये बच्चों की, और पहले भी ये लड़के आ चुके हैं, फिर से ये पुनः आए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप किसी समस्या से जरूर पीड़ित होंगे, तो बताइए आपकी समस्या, मुख्य समस्या क्या है? जी सर, हम 2013 पुलिस भर्ती से आए हैं। हमारी ये भर्ती प्रक्रिया जो है सन 2011 में स्टार्ट हुई थी, मायावती गवर्नमेंट था उसमें। अच्छा, ये भर्ती जो है 35,000 की। उसके बाद अखिलेश यादव की गवर्नमेंट आती है, इस भर्ती में 5,000 सीटें बढ़ाकर इस भर्ती को 40,610 कर दिया जाता है। तो इसमें विज्ञापन में लिखा जाता है कि भर्ती के 10 गुना लड़कों को मेन परीक्षा के लिए, इसमें प्री और मेंस दो तरह की परीक्षा होगी। अच्छा, इसमें कहा गया था कि आप इस परीक्षा को फाइट करेंगे, उसमें से 10 गुना लड़कों को पकड़ा जाएगा। जबकि 41,610 का 10 गुना 4,16,200 होता है। लेकिन भर्ती बोर्ड के डीजी और उस समय के जो अधिकारी थे और अखिलेश गवर्नमेंट के सरकार मिल के सब लोग, इसमें 15,000 एक्स्ट्रा लोगों को भर्ती कराया गया, जो कि हमारे पास लीगल प्रोसेस है। इसके बाद भी हम लोगों ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन, हमारा घर अंबेडकर नगर में पड़ता है अंबेडकर नगर, और फिर लखनऊ में चार बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। वो धरना प्रदर्शन पे पुलिस वालों ने हमारे ऊपर लाठियां भी भाजी। हमने कहा सर, इस भर्ती में बहुत काफ़ी विसंगतियाँ हैं जो कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन इन लोगों ने कोई भी कार्य, हम लोगों सरकार ने मनमाने ढंग से उस समय अंग्रेज गवर्नमेंट ने हमारे खिलाफ कार्रवाई किया। उस समय हम लोगों पर लाठी गोजी हर चीज़ चला, लेकिन सहा हम लोगों ने उस समय, लेकिन हम लोग सहारा भूले नहीं। हम लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से हमको न्याय मिला, और महिलाओं की 2500 जनरल कैटेगरी की महिलाओं की 2500 सीटें थी, जिसमें ओबीसी एससी कैटेगरी की कहा जाएगा, लेकिन उसमें 2500 महिलाओं को अतिरिक्त दिया गया, जो कि वो महिलाएं थी जिसको पैसा लेकर सरकार के द्वारा, चाहे भर्ती बोर्ड के द्वारा, किसी के द्वारा डाला गया था। आज हमको भर्ती बोर्ड मतलब हाई कोर्ट से न्याय मिला, और न्याय के बाद 2500 महिलाओं को, हमारी जनरल महिलाओं को न्याय मिला है। उन लोगों नियुक्ति के लिए वेरिफिकेशन चालू हो गया है, हर थाने पर आप पता कीजिएगा, हर थाने पर वेरिफिकेशन हो रहा है। लेकिन उसी कैटेगरी में 982 सीटें लड़के मेडिकल पास न मिलने के कारण 982 सीटें जनरल कैटेगरी की वैकेंट खाली छोड़ दी गई थी, जिसको हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी। तो हम लोग RTI के तहत सूचना के तहत मांगा कि भैया बताइए कि हमारी सीटें जनरल कैटेगरी की खाली कितनी हैं। तो उसमें 982 बताया गया कि जनरल कैटेगरी की, ओपन कैटेगरी की, PSC और फायरमैन की सीटें खाली हैं, लेकिन उस पर कोई भी सरकार ने कदम नहीं उठाया और उस सीटों को खाली छोड़ दिया गया था। बाद में पता चला कि 2312 सीट जो है कैरी फॉरवर्ड की भी सीटें खाली हैं, जिसमें 924 सीट जनरल कैटेगरी की होती है, और उसमें कोई भी कैटेगरी, चाहे SC हो चाहे OBC हो, कोई भी कैटेगरी का लड़का उसमें जा नहीं सकता। यहाँ पर भर्ती बोर्ड के DG, हम लोगों ने इसके बाद 10 जून 2018 को एक रिजल्ट यहाँ पर रिजल्ट निकाला, 13,000 लड़कों का रिजल्ट निकाला। 13,000 रिजल्ट निकलने के बाद हम लोग फिर भर्ती बोर्ड आए, उसमें वाइटनर वालों को लड़कों का जो है समायोजन नहीं किया गया था। तो हम लोग आए, भैया बताइए कि इन लड़कों का क्यों इसमें समायोजन नहीं किया गया। तो भर्ती बोर्ड के द्वारा कहा गया कि ऐसा है कि इस भर्ती में वाइटनर ब्लेड वालों को नहीं लिया जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट अंकित कुमार के नाम से एक रिट पड़ती है, उसके बाद फिर भर्ती बोर्ड 13,000 की लिस्ट हटा लेता है, फिर दोबारा उसमें 77 लोगों की लिस्ट डालता है। फिर लड़के जब भर्ती बोर्ड वहाँ पर हाईकोर्ट में फिर अपील करते हैं, तो उसके बाद हाईकोर्ट का डंडा फिर कोर्ट के ऊपर पड़ने के बाद 8,000 लड़कों को बुलाया जाता है। 8,000 लड़कों को बुलाने के बाद फिर उसके बाद उसको भी हटा दिया जाता है, और भर्ती बोर्ड के द्वारा कहा जाता है कि आप लोगों की एक भी सीट नहीं है, जो कि सीधे सीधे अनलीगल तरीके से हम लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है भर्ती बोर्ड की तरफ से। हम लोगों की 2312 और 982 सीटों में 1906 सीटें जनरल कैटेगरी की वैकेंट खाली हैं, जिसको यहाँ के जो ADG हैं दीपेश जुनेजा जी और AA जो है मनीष गोयल के स्टेटमेंट के द्वारा, हम लोगों को 1906 सीट जनरल कैटेगरी की वैकेंट है, जिसको हम लोगों को अभी भर्ती बोर्ड के द्वारा दिया नहीं जा रहा है। अभी सिर्फ 592 लड़कों का सिर्फ ही मेडिकल कराया गया है, जबकि इसमें 1906 लड़कों का मेडिकल कराया जाना था। अभी तक कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं है। यही हम लोग का उद्देश्य था कि हम इस चल के भर्ती बोर्ड से मिले, भर्ती बोर्ड के DG के पास संपर्क करना चाहते थे, अभी संपर्क नहीं हो पा रहे। अगर संपर्क होता है तो हम आगे की कार्रवाई इसके खिलाफ करेंगे। सर, बहुत परेशान हैं हम बहुत। सर, आपका शुभ नाम जान सकते हैं हम? जी, हमारा नाम सोनू चौबे। अच्छा, ठीक है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तो जिस तरह से मैंने इन लोगों की बात सुनी है, वो सब बात से निकल के आ रहा है कि ये काफ़ी जो कैंडिडेट हैं 2013 आरक्षी पुलिस भर्ती के, काफ़ी परेशान हैं, पीड़ित हैं, और लगभग 2-3 साल से पीड़ित हैं, घर से भी परेशान है, एज भी हो चुकी है, यहाँ तक कि ओवर एज हो चुके हैं, दूसरी वैकेंसी के लिए ये अब आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के जो अध्यक्ष जी हैं वर्तमान में, माननीय आर के विश्वकर्मा जी, तो उनको ये सोचना चाहिए बच्चों के साथ जो गलत हुआ है उसको, उस पर उनको न्याय दिलाना चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि कैंडिडेट की बात सुनने से सीधा सीधा ये निकल रहा है कि
आप जनरल कैंडिडेट? जी जी जनरल कैंडिडेट। तो जनरल कैंडिडेट के साथ ये गलत हुआ है और काफ़ी बच्चे हैं, इन्होंने सीटें भी बताई हैं, 1906 सीटें हैं जिनके साथ ये गलत हुआ है और अन्याय हुआ है। टोटल इनकी 1906 सीटें हैं, उस पर भी ये बता रहे हैं कि कुछ ओबीसी लड़कों को इसमें क्वालिफाई या ओबीसी के लड़कों को इसमें भरना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।